नमस्ते है जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। 11-11 पोर्टल के बारे में चर्चा हमने ठीक पहले वाले वीडियो पे की कि कैसे हम 11-11 के दिन यानी कि 11 नवंबर के दिन सुबह 11:11 और रात के 11:11 पे किस तरह से मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, कैसे अपने विश को पूरा कर सकते हैं, कैसे अपने विश को लिख करके अगले एक साल के लिए हम गोल सेट कर सकते हैं और कैसे पुराने विश को जो पूरे हो चुके हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे रिश्तों के बारे में, क्योंकि मैंने कहा था कि 11-11 में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रिश्तों के बारे में भी हो सकता है, लेकिन रिश्तों का विश मत डालना, क्योंकि 11-11 के ठीक दूसरे दिन एकादशी है। एकादशी मतलब तुलसी विवाह, भगवान नारायण और तुलसी का विवाह। विवाह का अर्थ ही ये है दो आत्माओं को जोड़ना, यानी कि दो ऊर्जा का मिलन। तो रिश्तों के लिए सबसे अच्छा दिन ये है। किसी भी तरह के रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई भी नया रिश्ता मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने ज़िंदगी में अपने सोलमेट को बुलाना चाहते हो, अपने ट्विन फ्लेम को खींचना चाहते हो, अपने आत्मा को, अपने आत्मा के प्रेम को बुलाना चाहते हो, पुराने रिश्तों से मुक्ति चाहते हो, किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हो जहाँ से आप निकलना चाहते हो, ये रिश्तों के लिए बहुत अहम दिन है। तो एकादशी के दिन आप जिन संबंधों में खराबी चल रही है, जिन संबंधों में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो संबंध आपस में अच्छे नहीं चल रहे, उन्हें भी आप ठीक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिन है ये। कैसे हम एकादशी के दिन रिश्तों को हील करेंगे, क्योंकि छोटी दिवाली भी कहते हैं इसे, तो दिवाली के सारे रिचुअल्स होंगे। उस दिन लक्ष्मी पोटली का भी स्थापन किया जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस दिन भी संसार में अपनी कृपा बरसाती है, तो लक्ष्मी पोटली का स्थापन उस दिन भी किया जाएगा। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दिवाली की हम सारी चर्चा कर चुके हैं, जो जो चीज़ें दिवाली में होती है वही चीज़ें एकादशी में भी होती है। सारी अच्छी चीज़ों को हम करते हैं, घर में सोना लेकर आते हैं, नई चीज़ों को लेकर आते हैं, गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, जो भी आप खरीदना चाहते हैं। एकादशी का दिन बहुत शुभ होता है, पूरा दिन शुभ मुहूर्त रहता है, शाम होने से पहले पहले तक, और इस बार तो शाम होने के बाद भी 7:30-7:40 तक का मुहूर्त है कि आप नई चीज़ों को खरीद कर लेकर आ सकते हैं। लेकिन रिश्तों को हील करने के लिए, खराब से खराब रिश्तों को, क्योंकि देखो बेटा, एक बात हमेशा जानना, कोई भी रिश्ता अगर खराब चल रहा है तो हमेशा ये मानो कि इस रिश्ते में मैं अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ ये और वो नहीं होती, हर चीज़ एक होती है। तो अगर कोई रिश्ते में सामने वाला इंसान भी अच्छा नहीं है, आपको कई सारी शिकायतें होंगी सामने वालों से, बहुत सारी शिकायतें होंगी। मैंने देखा है रिश्तों में शिकायतें कैसी होती है, मैं खुद भी कई रिश्तों में हूँ, मेरे भी माँ हैं, बाप हैं, सब हैं, दोस्त यार, भाई बहन सब हैं, इतने सारे रिश्ते हैं। हाँ, तो मैं जानता हूँ शिकायतें कैसी होती हैं, उन्हें मुझे मुझसे कैसी शिकायतें हैं, मुझे उनसे कैसी शिकायतें हैं। लेकिन शिकायतें कुछ भी हो, आप हील हमेशा खुद को करना। रिश्ते में कभी भी हील दो लोगों के बीच में बहुत कम हील किया जाता है, हमेशा अपने आप को हील किया जाता है कि मैं इस रिश्ते में बहुत अच्छा हूँ, मैं इस रिश्ते में बहुत अच्छे से हूँ, मुझे इस रिश्ते में अच्छी चीज़ें मिल रही है। देखा कितनी अच्छी बात कही मैंने, कि मेरे मन की चीज़ें जो मेरे लिए अच्छी है, जो मेरे लिए बेहतर है, जिससे मुझे खुशी मिलती है, वो इस रिश्ते में मुझे मिल रही है। इस रिश्ते को जो चीज़ें चाहिए वो मैं इस रिश्ते को दे पा रहा हूँ, इस रिश्ते के लिए मैं एफर्ट कर पा रहा हूँ, इस रिश्ते के लिए मैं प्रार्थना कर पा रहा हूँ, मेरे पूर्ण इस रिश्ते में काम आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने नए रिश्ते के लिए या अपने पुराने रिश्ते के लिए। सोलमेट या ट्विन फ्लेम को बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए ये बहुत खूबसूरत दिन। तो चलिए आइए कुछ तरीके मैं बताता हूँ कि कैसे हम अपने खूबसूरत रिश्तों को और खूबसूरत बनाएंगे एकादशी के दिन। जो रेकी हीलर्स हैं वो सती सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे रिश्ता अच्छा हो, बेहतर हो, या सिर्फ अच्छा हो या खराब हो, दोनों लोगों का फोटो लगाकर, सती सिंबल में दोनों पार्टनर का फोटो लगाकर आप उन्हें अपने सारे सिंबल्स बना के, जितने सारे सिंबल्स आप जानते हैं, क्योंकि ऐसे शुभ दिनों में अपने हाथों में सारे सिंबल बनाए जाते हैं, हालांकि चौकोरी और सही की भी काफ़ी है, लेकिन सारे सिंबल्स को बना करके आप हील करेंगे उस पेपर को, जिस पेपर में आप ये सिंबल बनाएंगे आप उसे हील करेंगे। खैर, ये तो एक ही हीलर्स की बात हो गई। आम लोग क्या कर सकते हैं, आम लोग ये कर सकते हैं, एक लाल कलर का पेपर लें या एक ड्राइंग शीट ले लें, उसे गुलाल से लाल कर दें, गुलाबी हो जाएगा, लाल गुलाबी कर दें उसे,
और उसमें हरे रंग के स्केच पेन से आप लिखें अपने दोनों पार्टनर्स का नाम। बहुत ही खूबसूरत रेमेडी है ये, अपने दोनों पार्टनर का नाम लिखें, आपका और उनका नाम लिखें, और लिखें कि मैं इस रिश्ते में बहुत अच्छा हूँ, इस रिश्ते में मुझे बहुत खुशियाँ मिल रही है, इस रिश्ते में मैं बहुत आनंद से हूँ। और सामने वाले के लिए अगर आपका मन होता है कि सामने वाले के लिए भी कुछ लिखें, तो आप लिखें कि सामने वाला भी मुझसे बहुत प्रेम करता है, या सामने वाला नहीं उनका नाम लिख के बोलें कि वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो मेरे से बहुत सेटिस्फाइड है, वो मेरे से उसे आनंद की प्राप्ति हो रही है, मुझसे वो आत्मा से प्रेम करता है, हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम दोनों एक दूसरे का केयर करते हैं। तो इस तरह के कुछ अच्छे लाइन्स उस लाल पेपर में हरे रंग के स्केच पेन से लिखें और उसे फोल्ड करके तुलसी माता के चरणों में चढ़ा दें। अगर घर में तुलसी है तो, नहीं तो घर में जो भी स्पिरिचुअल पेस्ट है आपके पास, रेकी विश बॉक्स हो सकता है, रेकी विश बॉक्स में डाल सकते हैं, आपके पास सिंगिंग बाउल हो सकता है, जैसे सिंगिंग बाउल है, अगर कुछ नहीं था जिसमें मेडिटेशन करते, इसमें डाल के उसे ढक के रख दें उस दिन, और एकादशी के दिन बाहर रख दें इसे चंद्रमा की रोशनी में। एक ही दिन मेरी विश पूरी होती है, एक ही दिन करने का होता है, और इसका रिजल्ट एक ही दिन में ज़्यादातर मिल जाता है। तो इस तरह के कुछ रिचुअल हम आम लोग कर सकते हैं। लामा फेरा वालों को के लिए कोई ऐसा रिचुअल नहीं है, लामा फेरा वाले वैसे ही बहुत शक्तिशाली होते हैं। मैं मानता हूँ जो लामा फेरा के प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपने किसी बिगड़े को अपने लामा फेरा के स्टिक के जरिए, लामा फेरा स्टिक के जरिए और अपने सिम्बॉल के जरिए किसी भी चीज़ को वापस मैनिपुलेट कर सकते हैं, वापस हील कर सकते हैं। एकादशी के दिन उपवास रखा ही जाता है, तो आपका विश क्या है, आप किस लिए एकादशी को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने लिए पाना चाहते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हैं और उस भाव में रहिएगा। अगर आप चाहते हैं खूबसूरत रिश्ते में रहना, तो आप वास यानी कि परमात्मा के चरणों में वास करना, फास्टिंग इंग्लिश शब्द है, उसमें सेंस नहीं आता है, उसमें फील नहीं आता है, उसमें आभास नहीं होता, लेकिन उपवास करने से परमात्मा के चरणों में उपवास करना, उपवास मतलब कुछ समय के लिए वास करना। तो क्योंकि सदा के लिए वास तो हम अपने शरीर छोड़ने की बात करते हैं, मोक्ष पाने की बात करते हैं, तो उपवास इसलिए कहा गया कि उपवास करते हैं उस दिन परमात्मा के शरण में। जिस दिन आप उपवास करेंगे एकादशी के दिन, आपके अंदर वैसे ही भाव होने चाहिए, संपूर्णता के भाव होने चाहिए। जो भी अगर आप संपन्न होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, समृद्धि का भाव होना चाहिए, आप राजाओं जैसा बर्ताव करें, अंदर से राजाओं जैसा फील करें। खूबसूरत रिश्ते में रहते हैं अगर आप खूबसूरत, तो राजा या रानी की तरह रहें, जैसे कि आपका पार्टनर आपको से बेहद प्यार करते हैं, बेहद प्यार करने वाला जो इंसान है वो कैसे जीता है, कैसे रहता है, बिल्कुल वैसा। किसी नए इंसान को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही उपवास के समय काल में महसूस करें जैसे कि वो आपके साथ हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं, हाथों में हाथ डाल के उनके साथ जीवन का आनंद ले रहे हैं, अपने समय को बहुत सुखों से बिता रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे, तो ये कुछ तरीके हैं एकादशी में जो आप रिश्तों के लिए कर सकते हैं। चलो बोनस पॉइंट एक और बता देता हूँ, क्योंकि दिवाली है, धन संपत्ति की बात तो होगी ही, है ना। तो पूजा अर्चना से पहले शाम तक उपवास ज़रूर रखिएगा और दिन भर धन के लिए माता लक्ष्मी के मंत्र को जाप कर सकते हैं, या फिर ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः कह सकते हैं। ओम नमो नारायणाय भी एक बहुत प्यारा मंत्र है, क्योंकि इसे देव उठनी भी कहते हैं। इस दिन भगवान नारायण जागते हैं अपनी योग निद्रा से। तो जिस दिन से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं, ताकि उस दिन आते आते आप महान ऊर्जा से भर लें, मतलब आप डिजर्विंग हो जाए, आप पूरी तरह से तैयार हो जाए रिसीव करने के लिए। क्लीन हो चुके रहे आपके का और जो पूरी तरह से क्लीन हो चुका रहे, साफ हो चुका रहे। तो ये कुछ शानदार तरीके थे जो हम एकादशी के दिन कर सकते हैं, ज़रूर करिएगा। और जिन्हें भी शानदार रिजल्ट मिले हैं, हमेशा की तरह कमेंट में आकर के अपनी बातें ज़रूर बताइएगा। जब आप लोगों के जीवन में सुख आता है तो मुझे सुख मिलता है। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।